आज भी इस मंदिर में मौजूद है महादेव का त्रिशूल। जम्मू में स्थित इस मंदिर का नाम है शुद्ध महादेव। दोस्तों, इस त्रिशूल के यहाँ होने की कहानी काफी रहस्यमय है। दरअसल जब माता पार्वती इस मंदिर में महादेव का ध्यान कर रही थी, उसी समय वहाँ सुदांत नाम का एक राक्षस महादेव की पूजा करने आ गया। महादेव के ध्यान में लीन जब माता पार्वती ने अपनी आँखें खोली तो सामने दानव को देखकर उनकी चीख निकल गई और महादेव को लगा कि माता पार्वती किसी मुसीबत में है। उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपना त्रिशूल फेंका जो कि उस दानव के हृदय में जा लगा। इसके बाद महादेव ने उस दानव को जीवन दान देना चाहा, लेकिन उसने महादेव के हाथों प्राण त्याग कर मोक्ष को चुना। इसीलिए महादेव ने इस स्थान को शुद्ध महादेव का नाम दिया। आज भी यहाँ पर सुदांत दानव की अस्थियां पड़ी हुई हैं। साथ ही महादेव ने उस विशाल त्रिशूल के 3 टुकड़े करके यहीं पर गाड़ दिए जो आज भी मौजूद है। यहाँ आने वाले भक्त प्राचीन शिवलिंग के साथ साथ दिव्य त्रिशूल के इन टुकड़ों का जलाभिषेक भी करते हैं। हर हर महादेव।